भारतीय बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी की अहलिया जहां महंगे कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप के इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं, वहीं उनकी एक पानी की बॉटल के साथ ली जाने वाली तस्वीर ने भी सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो समेट ली है। इंडिया की मकबूल तरीन शख्सियत और ब्यूटी विद ब्रेन कहलाई जाने वाली नीता अंबानी की तस्वीर ने तहलका मचा दिया है, जिसमें उन्हें पानी की खास बॉटल के साथ देखा गया है, जिसकी कीमत ने सोशल मीडिया सारिफीन के होश उड़ा दिए हैं। 2015 में होने वाले IPL एडिशन 8 में ली जाने वाली तस्वीर के सोशल मीडिया पे खासे चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें नीता अंबानी को एक सोने की बॉटल से पानी पीते हुए देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीता अंबानी की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली मुबैना तौर पर सोने की बॉटल में मौजूद पानी में सोने के जरात शामिल हैं। कहा जाता है कि पानी में सोने के जरात जेल को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं उनके हाथ में नजर आने वाली बॉटल भी दुनिया की महंगी तरीन बॉटल्स में शुमार की जाती है, जिसमें 24 कैरेट के सोने का इस्तेमाल किया गया है और इसमें फिजी और फ्रांस के कुदरती चश्मों के साथ साथ आइसलैंड के ग्लेशियर्स का पानी शामिल है। इस पानी में 23 कैरेट सोने की धूल को शामिल किया गया है। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि नीता अंबानी 50 लाख भारतीय जबकि 1,70,00,000 रुपए पाकिस्तानी पानी, जिसका नाम एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो है, वो पीती हैं, और इस पानी की बॉटल को मशहूर डिजाइनर फिनांडो अल्टामिरानो ने तैयार किया है। सोशल मीडिया पर नीता अंबानी की जिस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है और इसके दुनिया भर में चर्चे हैं, उसकी दरअसल हकीकत कुछ और ही है। वायरल तस्वीर में नीता अंबानी को जिस बोतल में पानी पिलाते हुए दिखाया गया है, दरअसल वो जाली है, क्योंकि मुकेश अंबानी की अहलिया किसी सोने की बॉटल में नहीं बल्कि आम प्लास्टिक की बॉटल में पानी पी रही हैं। साल 2015 में IPL के दौरान ली जाने वाली इस तस्वीर में रत्तों बदल करके इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और गलत मालूमात फरहाम की गई है। माना कि मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार किए जाते हैं और अपनी अहलिया पे करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मुकेश अंबानी करोड़ों के पानी की बॉटल्स अपनी अहलिया को पिलाएं, क्योंकि आखिर है तो वो शौहर ही।